हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक साईं फिर से हाजिर हो चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे पतंजलि के लिवोग्रिड टैबलेट के बारे में। लिवोग्रिड लीवर संबंधित समस्याओं के लिए बनाई गई है। इसे कैसे लेना है, कौन कौन ले सकता है और कौन कौन सी बीमारी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लिवोग्रिड लीवर के लिए बनाई गई है। जिनका लीवर कमज़ोर हो जाता है या कमज़ोर है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये भूख बढ़ाने का काम भी करती है, क्योंकि अगर आपको लीवर की प्रॉब्लम होती है तो आपको भूख भी कम लगेगी। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा खाना खाने के बाद उल्टी जैसे मन होने लगता है या उल्टी हो जाती है तो ये इसे भी ठीक करने का काम करेगा। इसके साथ साथ लीवर की प्रॉब्लम की वजह से वजन भी कम होने लगता है तो उस कंडीशन में भी आप इसे ले सकते हो। अगर आपका खाना सही तरह से पचता नहीं है तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें भी फ़ायदा देखने को मिलेगा। लीवर कमज़ोर होने की वजह से आपका पेट भी दुखेगा, थोड़ी थोड़ी देर बाद दर्द होता है तो ये लिवोग्रिड उसमें भी काम करता है। पेट में गैस हो रही है, सीने में जलन होती है, थकान महसूस होती है, ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम है जो कि लीवर कमज़ोर या धीरे धीरे ख़राब होने से होती है। इसलिए ये पतंजलि ने लिवोग्रिड को बनाया है। अब हम बात करते हैं कि डोज के बारे में। दो टैबलेट आपको सुबह लेनी है और दो टैबलेट शाम को लेनी है। इसके अलावा अगर आपको लीवर की कोई प्रॉब्लम नहीं है और बस आप लीवर को हेल्दी रखना चाहते हो तो उस कंडीशन में भी आप एक एक गोली टैबलेट सुबह और शाम को ले सकते हो। सुबह नाश्ते के 20 मिनट बाद और डिनर के 20 मिनट बाद और हल्के गर्म पानी के साथ आप इसे लेते हो तो आपको और भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसका कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है। फिर भी इसे लेने से कुछ लोगों को शुरुआती दिनों में दस्त लग सकते हैं या हल्का फुल्का उल्टी जैसा मन होने लगता है। तो स्टार्टिंग में आप एक गोली सुबह और एक गोली शाम को, जैसे जैसे आपको ये प्रॉब्लम नहीं होने लगेगी तो आप दो दो गोलियां शुरू कर सकते हो। और साथ में आपको परहेज भी करना होगा, बर्गर पिज़्ज़ा तली चीज़ें बाहर की सभी चीज़ों को अवॉइड करना होगा। और आपको सावधानियां ये रखनी है कि अगर आपकी पहले से ही हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है, पहले से कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहे हो तो इसे आप डॉक्टर की सलाह से ही ले सकते हैं। बच्चे या महिलाएं अगर इसे लेना चाहती है तो डॉक्टर की सलाह से ही इसे लें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो। बाय बाय।